नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है, जूनियर्स डॉक्टर्स ने अपना हड़ताल खत्म कर दिया है। एक प्रतिनिधि मंडल जो जूनियर डॉक्टर्स का था, वह स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से अब से थोड़ी देर पहले उसकी मुलाकात हुई है और यह ऐलान हो गया है कि पिछले 8 दिनों से जो हड़ताल चल रही थी, तमाम जितने सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर जो मरीज आ रहे थे उन्हें काफ़ी असुविधा हो रही थी, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और ऐसे में आज सुबह से ही बयानबाजियों का जो दौर है वो शुरू था। एक तरफ जहां विपक्ष आरोप लगाया था, कहा था कि सरकार लापरवाह है, 2020 साल का आज अंतिम दिन है, 31 दिसंबर है, कल नए साल का आगाज़ होगा और नए साल के आगाज़ से पहले ही सरकार ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग के प्रत्यय अमृत ने आज खुद मोर्चा संभाला और तमाम जूनियर डॉक्टर्स के साथ उन्होंने बैठक की, मीटिंग की, उनकी मांगों पर विचार हुआ और क्या ऐसी बातें हुई हम आपको लगातार खबरों के माध्यम से बताते रहेंगे। हम आपको जूनियर डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं वो भी सुनवाएंगे, लेकिन अभी की बड़ी खबर, जूनियर डॉक्टर्स की चल रही हड़ताल अब खत्म हो चुकी है। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि हड़ताल अब खत्म हुई है। अभी से थोड़ी देर पहले उन्होंने सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत भी वहाँ पर मौजूद थे और इन तमाम लोगों की मौजूदगी में एक बड़ी खुशखबरी, पिछले 8 दिनों से एक तरफ जहाँ मरीज काफ़ी ही परेशान थे, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, उन तमाम चीज़ों पर अब कहीं ना कहीं अंकुश लग गया है। और अब फिलहाल JDA जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने बातों को मान लिया है, सरकार के साथ उनकी वार्ता पूरी हो चुकी है, हड़ताल खत्म हो चुकी है। तो अब नए साल के शुरुआत से ही मरीजों को तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी। जो सरकारी अस्पताल में जा रहे थे इलाज कराने के लिए, उन तमाम लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, नए साल के आगाज से पहले ही सरकार के साथ वार्ता उनकी समाप्त हुई और जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त निकल के आ रही है। कहीं ना कहीं जो लोग काफ़ी परेशान थे, तमाम जो विपक्षी नेता हैं वह डॉक्टर्स एसोसिएशन के साथ मुलाकात कर रहे थे, जूनियर डॉक्टर्स के साथ मुलाकात हो रही थी, कई जो ऐसे RJD के विधायक थे वह डॉक्टर ही थे वह भी उस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। वेतनमान बढ़ाने की बातें हुई थी कि जब कोरोना संकट का दौर था उस वक्त हमें कोरोना वॉरियर्स कहा जाता था और अब जब हम अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल पर बैठे हैं तो सरकार हमसे बात नहीं कर रही है। आज सुबह के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा था कि हमारी बातचीत जारी है और उसका फलाफल जो है वो निकल आया है। जूनियर्स डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अपना हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। पिछले 8 दिनों से एक तरफ जहां मरीज कराह रहे थे, काफ़ी मुसीबत में थे, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जो सरकारी अस्पताल में जा रहे थे उन सभी के लिए खुशखबरी, एक बड़ी खबर, बिहार से इस वक्त जूनियर्स डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो चुकी है। हम आपको जूनियर्स डॉक्टर क्या कुछ कह रहे हैं, उनका संगठन क्या कर रहा है वो भी सुनवाएंगे। आप बने रहें लाइव स्ट्रीम के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।